दोस्तों, इंडिया बनाम पाकिस्तान T20 के आखिरी 5 मैचों में किसका पलड़ा भारी रहा, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, 27 अगस्त से एशिया कप 2022 का आगाज हो रहा है। इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच हमेशा से टक्कर देखी जाती रही है। ऐसे में आज हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हुए आखिरी 5 T20 मुकाबलों के परिणाम के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय टीम आखिरी बार पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप 2021 में भिड़ी थी। यह मुकाबला पाकिस्तान ने जीता था। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 152 रन का लक्ष्य दिया था। बाबर रिजवान की अर्धशतकीय पारी की बदौलत पाक ने आसानी से जीत दर्ज की थी। T20 वर्ल्ड कप 2016 के एक मुकाबले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान 118 रन ही बना पाई थी। इस मैच को भारत ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया था। इससे पहले एशिया कप 2016 के एक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इस मैच में पाकिस्तान की टीम 83 रनों पर ही सिमट गई थी। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2014 में हुए एक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने 130 रनों का स्कोर बनाया था। साल 2012 में अहमदाबाद में हुए एक कड़े मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को महज 11 रनों से हराया था। पिछले 5 T20 मुकाबलों में भारत ने 4 मैच जीते और 1 मैच हारा है। अब तक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हुए कुल 9 T20 मैचों में 7 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के T20 क्रिकेट मैच के बारे में यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें।